बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, लास्ट टाइम हमने 3.7 के दो केसेस कर लिए थे, जिसमें पहली किस्म के क्वेश्चंस ये थे कि जिसमें हमें लोअर लिमिट भी गिवन थी, अपर लिमिट भी गिवन थी। वो टोटल 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें से दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, पहले 4 क्वेश्चंस और 10, 11, 12। फिर सेकेंड किस्म की सेकेंड जो टाइप थी क्वेश्चंस की, उसमें दोनों में से लोअर लिमिट या अपर लिमिट में से एक लिमिट हमें गिवन थी, दूसरी हमने खुद फाइंड की, फिर उसका बिहेवियर चेक किया कि क्या थ्रू आउट पॉजिटिव है या थ्रू आउट नेगेटिव है या मिक्स सूरत हाल है। तो उसकी बेस पे फिर हमने एक क्वेश्चन 7 किया था, वो एक ही था, यानी उस तरह के और क्वेश्चन नहीं थे। अब थर्ड केस है जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9 और 13, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल सेम हैं। और ये किस तरह के क्वेश्चन हैं, ये थर्ड कैटेगरी के हैं, जिसमें ना स्टार्टिंग लिमिट आपको पता है, ना ही एंडिंग लिमिट यानी अपर लिमिट पता है। तो इसमें पहले हम दोनों लिमिट्स खुद फाइंड करेंगे, फिर उसका बिहेवियर टेबल में चेक करके ग्राफ बनाएंगे और वहाँ से देख के फिर उसकी इंटीग्रेशन करेंगे कि आया वो थ्रू आउट पॉजिटिव है या थ्रू आउट नेगेटिव है, या कुछ पोर्शन पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। तो देखें, फंक्शन है मेरे पास y इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। इसे इक्वेशन 1 कर दें। इसकी नेक्स्ट जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये x माइनस वन को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वन आ जाएगा। अब फर्दर x से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 कर दें। दोनों सेम चीज़ है, ये फैक्टर वाली फॉर्म है, ये उसकी सिंपल फॉर्म है। पहले जैसे उसमें भी हमने क्वेश्चन 7 में किया था फॉर x, क्योंकि देखें ये एक्स एक्सिस के साथ फंक्शन कर्व टच कर रहा है, तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशन 1, क्योंकि वो फैक्टर फॉर्म है तो वहाँ से फ़ौरन हमें आंसर मिल जाएंगे, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो एक टर्म आ गई एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गई, ये 0 है, और x इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है जी। अब ये तीन लिमिट्स आ गई, 0, 1 और माइनस वन, यानी सबसे लोएस्ट वैल्यू है माइनस वन और सबसे बड़ी वैल्यू है प्लस वन। अब इस पर हम इसका बिहेवियर चेक करते हैं कि फंक्शन हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। एक्स वाई माइनस वन, 0, 1। अब ये बीच में मैंने जगह खाली छोड़ी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये क्यों छोड़ी है। देखें, जब मैं माइनस वन पुट करूँगा, बेशक इधर पुट करें इधर करें एक ही बात है, माइनस वन से ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ग्रुप 0। जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये टर्म 0, तो सारा आंसर 0। जब 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1, ये 0 सेंटर वाला, तो सारा आंसर 0। तो इसका मतलब है कि इन तीन वैल्यूज़ पर तो इसने आंसर दे दिया 0। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दो 0 के बीच में क्या उसका बिहेवियर है। अब हम इसके बीच वाली वैल्यू इधर भी पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे, ठीक है। तो -0.5 अब मैं यहाँ पुट करके ज़रा चेक करता हूँ, तो ये आंसर आ रहा है जी 0.375, ठीक है। और ये आ रहा है -0.375। तो आप देखें, इन दो 0 के बीच में ये प्लस है और इन दो 0 के बीच में ये माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका एक पोर्शन अबव है और एक पोर्शन बिलो है। तो ग्राफ से देख लें इसको, ये 0 है, ये 0.5 है, ये 1 है, -0.5 -1, इधर से ये आ जाएगा 0.25, बस काफ़ी है, -0.25 -0.50। तो देखें, -1 पे 0, -0.5 पे 3.37, तकरीबन समझ लें ये लोकेशन, फिर 0 पे 0, फिर 0.37 और फिर 0,
ये इसका कर्व आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक कर्व अबव द एक्स एक्सिस है और दूसरा बिलो द एक्स एक्सिस है। तो अब आप यूं लिखेंगे एरिया बाउंडेड। अब जो अबव द एक्स एक्सिस है वो तो ठीक है, उसकी लिमिट आएगी माइनस वन से लेके ज़ीरो तक, और फंक्शन ये एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब ये वाला जो पोर्शन है ज़ीरो से लेके वन तक ये नेगेटिव है, तो आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे आंसर इंटीग्रेशन का नेगेटिव आ रहा होता है हम उसके पीछे खुद माइनस का साइन लगाते हैं ताकि वो आंसर पॉजिटिव हो जाए और ओवरऑल एरिया ऐड हो जाए। ये ज़ीरो से वन एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, इसको अलग अलग कर दें, माइनस वन से ज़ीरो एक्स क्यूब डी एक्स, माइनस वन से ज़ीरो एक्स डी एक्स, माइनस ज़ीरो से वन एक्स क्यूब डी एक्स, ये माइनस और ये माइनस, प्लस ज़ीरो से वन एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा एक्स की पावर फोर ओवर फोर, माइनस वन से ज़ीरो, ये आ गया एक्स स्क्वेयर ओवर टू, माइनस वन से ज़ीरो, ये भी एक्स की पावर फोर ओवर फोर, ज़ीरो से वन, और एक्स स्क्वेयर ओवर टू, ज़ीरो से वन आ गया। वन बाई फोर बाहर आ जाएगा, ज़ीरो की पावर फोर माइनस माइनस वन की पावर फोर, इसका वन बाई टू बाहर निकालें, ज़ीरो का स्क्वेयर माइनस माइनस वन का स्क्वेयर, फिर माइनस वन बाई फोर, वन की पावर फोर माइनस ज़ीरो की पावर फोर, वन बाई टू, वन का स्क्वेयर माइनस ज़ीरो का स्क्वेयर, ये माइनस वन की पावर फोर पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन बाहर वाला साइन उसको माइनस कर देगा। इसी तरह यहाँ से ये ज़ीरो हो गया, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, लेकिन बाहर वाला साइन माइनस कर देगा। यहाँ से वन माइनस ज़ीरो, यहाँ से भी वन माइनस ज़ीरो, यह आ जाएगा माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, एलसीएम फोर आ गया, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू प्लस टू, फोर माइनस टू टू ओवर फोर, तो ये वन ओवर टू स्क्वेयर यूनिट। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। एक क्वेश्चन में और इसी में से, जो सबसे ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 13, वो कराता हूँ मैं। Find the area between the x-axis and the curve y is equal to 2ax minus x square root। और a के बारे में इंफॉर्मेशन है कि a ज़ीरो है, पॉजिटिव है जी। इसमें देखें एरिया हमने अंडर कर्व, इसमें भी आपको स्टार्टिंग लिमिट नहीं गिवन और एंडिंग लिमिट भी नहीं गिवन, लेकिन इसमें रूट गिवन है। तो रूट से आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको पता है कि रूट ने या आंसर ज़ीरो देना होता है या पॉजिटिव देना होता है, नेगेटिव आंसर तो वो देता ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें वो आपने टेबल बना के वो सारी ग्राफ बनाने वाली सिचुएशन नहीं करनी, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको कन्फर्म है कि ये रूट जो है वो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। तो y इज़ इक्वल टू टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर रूट, इसे इक्वेशन वन कर दें। इसकी हम स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट फाइंड करते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स, पुट वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाएगा टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर रूट इक्वल टू ज़ीरो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स कॉमन ले लें, टू ए माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो एक एक्स इक्वल टू ज़ीरो आगे टर्म, और टू ए माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक आंसर आ गया ज़ीरो और दूसरा आ गया टू ए। अब ए के बारे में देखें क्या इन्फॉर्मेशन है कि ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो मीन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये टू ए जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यू है। तो अब हमने डायरेक्ट इसको लिखना है, एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू
ज़ीरो से टू ए, और फंक्शन है टू ए एक्स माइनस एक्स के रूट डी एक्स। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन ज़रा ध्यान से आपने देखनी है। पहले तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ रूट के अंदर ही रहते हुए, ताकि एक्स स्क्वेयर की टर्म पॉजिटिव हो जाए, और फिर इसका कंप्लीटिंग स्क्वेयर करने लगा हूँ। ये एक्स का स्क्वेयर है, इसको टू ए बी की फॉर्म में लिखेंगे। टू ये ए है और फार्मूला के लिहाज से ये बी है, तो हमें यहाँ पे उसका स्क्वेयर चाहिए होता है, और उतना ही बैलेंस करने के लिए माइनस कर देंगे डी एक्स। ये आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर स्क्वेयर रूट डी एक्स। अब ये ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर नेगेटिव हो जाएगा। ज़ीरो से टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर, ये ठीक है। अब ये वो फॉर्म है, आपको याद होगा आपने ये क्वेश्चन किया था 3.3 में क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये क्या था? ए स्क्वेयर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स अंडर रूट एज इट इज़ ओवर टू। ठीक है, प्लस ये नहीं लिखना क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक है। तो ये ए स्क्वेयर है और ये सारा एक्स है, यानी जहाँ जहाँ इसका एक्स होगा उसकी जगह आपने एक्स माइनस ए लिखना है। तो आंसर आ गया ए स्क्वेयर ओवर टू साइन इनवर्स, ये सारा एक्स है, ओवर ए, ये आ गया प्लस। अब ये जो एक्स है वो ये वाली टर्म है एक्स माइनस ए, आगे रूट एज इट इज़ ए स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू, और लिमिट आ गई ज़ीरो से टू ए। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, साइन इनवर्स टू ए माइनस ए ओवर ए, टू ए माइनस ए ए स्क्वेयर टू ए माइनस ए होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू, ये अपर लिमिट आ गई माइनस। अब ज़ीरो पुट करें, ए स्क्वेयर ओवर टू साइन इनवर्स ज़ीरो माइनस ए ओवर ए प्लस ज़ीरो माइनस ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस ज़ीरो माइनस ए होल स्क्वेयर, और इसके नीचे टू आ जाएगा। ठीक है जी, दिस विल बी ए स्क्वेयर ओवर टू। अब ये देखें, टू ए में से ए निकल गया, ए बच गया, ए ओवर ए क्या हो गया वन, तो साइन इनवर्स वन आ गया इधर। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। ये आ जाएगा ए ओवर टू, इधर देखें रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस टू ए में से ए निकल गया तो ए बच गया ए स्क्वेयर, ये ज़ीरो हो जाएगा, सारा आंसर ज़ीरो। माइनस ए स्क्वेयर ओवर टू साइन इनवर्स ए ए से कट जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस ए ओवर टू, और रूट के अंदर देखें क्या आ गया ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो ये भी सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ए स्क्वेयर ओवर टू साइन इनवर्स वन, साइन का आंसर वन कहाँ पे होता है? पाई बाय टू पे, और ये सेकंड टर्म क्योंकि ये ज़ीरो हो गई तो पूरा ये ग्रुप ज़ीरो हो जाएगा। माइनस ए स्क्वेयर ओवर टू और साइन इनवर्स माइनस वन, ये माइनस पाई बाय टू आ गया और ये भी ज़ीरो हो गया। तो पाई ए स्क्वेयर ओवर फोर माइनस माइनस प्लस, पाई ए स्क्वेयर ओवर फोर, फोर एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा टू ए स्क्वेयर पाई, या पाई ए स्क्वेयर एक ही बात है, वन बाय टू ए स्क्वेयर पाई स्क्वेयर यूनिट। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसमें आ सकता है एक्सरसाइज में। वैसे इस एक्सरसाइज में से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा 13 तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी होगी है कम्प्लीट। तो अब एक एक्सरसाइज हमारी 3.8 रह गई है, वो एक नया टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट, उसमें इंटीग्रेशन ही है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान टॉपिक है, बल्कि इंटीग्रेशन की भी उसके अंदर बहुत आसान है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।